अब ये सारे जो कॉल रिकॉर्ड है ये निकाल दीजिए, जो आपने कल बोला पुलिस स्टेशन के अंदर कि मैं सारे के सारे कॉल रिकॉर्ड निकालूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा, और आपने मेरे ऊपर आरएस पाली के ऊपर कहा कि मेरी बात किसी के साथ हुई है, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप ये कॉल रिकॉर्ड निकालिए और एक हफ्ते के अंदर निकालिए और लोगों के आगे कॉल रिकॉर्ड्स को रखिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और लोगों को पता चल सके कि नगरोटा बगवा के जो विधायक है अरुण मेहरा जी वो सिर्फ झूठ नहीं बोलते बल्कि सफ़ेद झूठ बोलते हैं। अगर ये अपनी सरकार के अंदर इसका नहीं निकालेंगे तो अपनी सरकार में आते ही अगली सरकार में 2 महीने बाद आते ही हम इसके ऊपर कार्रवाई करके जो भी इसके कॉल रिकॉर्ड होंगे वो निकाल के लोगों को सार्वजनिक, जिसको भी पुलिस वाले दोषित मानेंगे इसके अंदर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमारे विधायक महोदय हैं, उन्होंने कल प्रेस के आगे ये चीज़ को माना, पुलिस स्टेशन में खुद खड़े होकर बोला कि विराज जो है ये मेरा फेसबुक आईडी है, उन्होंने कहा कि विराज मैं हूँ और विराज जो है ये जो भी लिखा है ये मैंने लिखा है। क्या विधायक को शोभा देता है कि एक फेक एक गलत फेसबुक आईडी, एक गुमनाम फेसबुक आईडी चलाए, और क्या ये शर्मनाक नहीं है कि एक विधायक अपने आप बोलता है कि विराज का आईडी मैं चलाता हूँ। उन्होंने कहा कि NSUI की पार्टी थी और उस पार्टी को पार्टी के अंदर लोग अपनी शर्ट खोल के नाच रहे। मेरे जाने के बाद NSUI की पार्टी जिसके अंदर लोग अपना NSUI का फ्रेशर पार्टी बना रहे थे, उसमें मेरे जाने के बाद क्या होता है लोग नाचते हैं या शर्ट खोल के नाचते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, पर ऐसी ऐसी चीज़ों को उठाना शायद MLA साहब को ज़रूरत लगती है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा गंभीर सवाल है कि अब जब इलेक्शन आ रहा है तो विकास की बात करने की जगह, रोज़गार की बात करने की जगह और ऐसी ऐसी बातें करने की जगह जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है उसकी जगह ये लोग ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। 30 साल से लोगों ने हमको देखा है तो लोग जानते हैं अच्छी तरह कि हमारा क्या व्यवहार है। उसके लिए अरुण मेहरा जी या किसी का कोई सर्टिफिकेट लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नगरोटा बगवा की भूतपूर्व जनता 2 महीने बाद सर्टिफिकेट अपने आप दे देगी। जब मैंने ये देखा और जब ये पढ़ा कि इन्होंने ऐसी बात की कि किसी ने मुझे फ़ोन किया और मेरे को फ़ोन करके 3 लोगों को और मैंने भेजा, तो मैं चाहूँगा कि पुलिस एक हफ्ते के अंदर, अभी भाजपा की सरकार है, BJP की सरकार है और इनका यह आखिरी महीना बचा है, 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो मैं 1 महीने का समय है और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत छोटा काम है कॉल रिकॉर्ड निकालना, तो कॉलों के रिकॉर्ड सीधा कंपनियों से निकाल दिए जाते हैं। मैं चाहूँगा कि जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो उन 3 लोगों के और उस भुट्टा के कॉल के रिकॉर्ड निकालें और कॉल के रिकॉर्ड जो है वो सार्वजनिक करें और लोगों को बताएं कि उन्होंने किस किस को कॉल किया है और किस किस के संपर्क में वो थे जब ऐसी वारदात हो रही थी। दूसरा, मैं चाहूँगा कि जो भी दोषी है, क्योंकि वो महिला जो है वो नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र की है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसी हरकत हो, किसी ने भी की हो, तो दोषी को सजा होनी चाहिए। दोषी को जो पुलिस का कानून कहता है उसके हिसाब से सजा हो। तो अगर ये अपनी सरकार के अंदर इसका नहीं निकालेंगे तो अपनी सरकार में आते ही अगली सरकार में 2 महीने बाद आते ही हम इसके ऊपर कार्रवाई करके जो भी इसके कॉल रिकॉर्ड होंगे वो निकाल के लोगों को सार्वजनिक करेंगे। अगर इन्होंने सार्वजनिक नहीं किए और इन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड नहीं दिखाए, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि अगर एक हफ्ते के अंदर इन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड नहीं दिखाए तो 2 महीने बाद जो कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके अंदर हम ये सारे रिकॉर्ड लोगों को समर्पित करेंगे। नहीं तो इनका ये काम है, मैंने इनको एक हफ्ते का समय दिया है, इनको पुलिस प्रशासन को एकदम, और ये एक दिन का काम होता है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक दिन के अंदर जाके ये उस कंपनी से जाके सारे के सारे रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और लोगों के आगे रखें। एक पार्टी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि NSUI की पार्टी थी और उस पार्टी को पार्टी के अंदर लोग अपनी शर्ट खोल के नाच रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि विधायक जी कोई भी ऐसी वीडियो पेश करें लोगों के आगे जिसके अंदर NSUI की पार्टी हो रही है और लोग अपनी शर्ट खोल के नाच रहे हैं और उसके अंदर मैं बैठा हुआ। मेरे जाने के बाद NSUI की पार्टी जिसके अंदर
जिसके अंदर लोग अपना NSUA का फ्रेशर पार्टी मना रहे थे, उसमें मेरे जाने के बाद क्या होता है, लोग नाचते हैं या शर्ट खोल के नाचते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक बड़ा गंभीर सवाल है कि अब जब इलेक्शन आ रहा है तो विकास की बात करने की जगह, रोजगार की बात करने की जगह और ऐसी सी बातें करने की जगह जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है, उसकी जगह ये लोग ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। विकास के ऊपर बात करें, क्या नई चीज लानी है उसके ऊपर बात करें, एक भी नई संस्था, एक भी नई चीज नगरोटा बगुआ में नहीं बढ़ी आ पाई, कोई भी बड़ा बड़ा संस्थान नहीं आ पाया। जो इन्होंने वायदे किए थे चिप्स की फैक्ट्री के, कोई बड़ी बड़ी चीजों के, उनमें से एक भी चीज नहीं आई। बड़ा संवेदनशील एक और होता है, ये बार बार हर जगह जाके कहते हैं कि भारी है, भारी है, बाहर से। मैं उसके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, श्री GS बालीजी ने अपनी जिंदगी के 25 साल लगभग राजनीति जो है वो नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र से रात दिन परिश्रम किया, अथा प्रयास अथा मेहनत, और नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नंबर वन ग्रामीण क्षेत्र बनाया। जो इंसान नगरोटा में अपने जीने, अपने पूरे जीवन के 25 साल उन्होंने नगरोटा बगुआ में दिए और लोगों ने उनको इतना प्यार, इतना स्नेह दिया और इतना काम, नगरोटा बगुआ के अंदर विकास की गाथा अगर लिखी जाएगी तो हर ईंट पे श्री GS बालीजी का नाम लिखा जाएगा, विकास पुरुष श्री GS बालीजी का नाम लिखा जाएगा। प्रेस के आगे ये चीज को माना, पुलिस स्टेशन में खुद खड़े होकर बोला कि विराज जो है ये मेरा फेसबुक ID है। उन्होंने कहा कि विराज मैं हूं और विराज जो है ये जो भी लिखा है ये मैंने लिखा है। मैं चाहूंगा एक चीज पूछना एक विधायक से, क्या विधायक को शोभा देता है कि एक गलत Facebook ID, एक गुमनाम Facebook ID चलाए, और क्या ये शर्मनाक नहीं है कि एक विधायक अपने आप बोलता है कि विराज का ID मैं चलाता हूं।